अस्सलाम फ्रेंड्स, इस तुसी न्यूआ वेलकम टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाकिफ़ से होंगे। तो सीन ये है कि पीछे एक केज बना हुआ है मुर्गियों का, ये मैंने पिछले साल बनाया था। तो इसके ऊपर मैंने छत नीचे डाली, बाय द वे ये मैंने खुद बनाया था, सारा ए टू जी हर चीज़ मैंने खुद की है। यानी कि ये सारी जाली वगैरह नींटें वगैरह खुद लगाई हैं, क्योंकि वाले साहब मिस्त्री हैं तो थोड़ी सी विरासत में मेरे अंदर भी है। तो उस लिहाज उस वजह से ये सारा मैंने यानी कि खुद किया, लेकिन इसके ऊपर छत नहीं थी डाली। तो अभी ये सिर्फ टाइलें वैसी रखी हुई हैं। ये देखें, रात को बारिश हुई है, जैसे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है। तो बारिश की वजह से पानी अंदर चला गया था, हमने कुछ चूज़े लिए हैं, खरीदे हैं। तो चूज़े तो खरीद लिए हैं, लेकिन पानी इसके अंदर जाता है, तो उसको रोकने के लिए इसके ऊपर डालेंगे छत। तो छत हम कल डालेंगे। आज का मसला ये है कि ईद करीब आ गई है, बाल बहुत बड़े हैं, हालत आप देख सकते हैं। तो बाल कटवाने जाना है पहले, बाल कटवाने के बाद मैंने गुजरात जाना है, मोहसिन गुजरात है, आज मोहसिन के पास जाना है, उधर कुछ पार्टी वगैरह का सीन है मोहसिन की तरफ से। ये बैग था, मैंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किया था, तो इसके अंदर मैंने अपना माल इसबाब डाला है और निकलने लगे हैं गुजरात के लिए। मोहसिन उधर वेट कर रहा है। तो ये चाबी है, इसको बाइक आगे रखेंगे, इसको पहन लेंगे। तो इसके अंदर ये बटुआ, मोबाइल वगैरह सब कुछ मौजूद है। तो निकलते हैं। गुजरात माल मेरे साथ है और इस वक्त हम खड़े हैं प्रिंस चौक में। पीछे जो नज़र आ रहा है वो प्रिंस चौक है। तो और इस साइड पर भैया पिज़्ज़ा है, उधर भी भैया पिज़्ज़ा है। तो आज भैया पिज़्ज़ा से बर्गर ट्राई करने लगे हैं। वैसे नाम तो भैया पिज़्ज़ा है, तो पिज़्ज़ा देर लग जाएगी, उसमें काफ़ी टाइम हो चुका है, तो वापस भी जाना घर, तो इसलिए बर्गर पर बात डन हुई है। तो बर्गर खाते हैं, जो बेस्ट बर्गर है जो वो ट्राई खाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी साहब? खैरियत से हैं? मोहसिन जल्दी जल्दी मेन्यू डिसाइड करो। अच्छा जी, फाइनली वी आर इन साइड भैया पिज़्ज़ा, ऑर्डर किया है टावर बर्गर, जो कि इन्हें फोटो बना के, इन्हें ब्लॉग बना के बाहर निकल जाना है, मुझे मार दा। तो पैसे देना उधार है यार, 1,000, 2,000, 3,000 और 4,000 दे दो। 200 ले जाइए, जो पार्टी भी दे और पैसे भी दे। अच्छा एक चीज़ है, एक चीज़ है, बहुत सस्ता व्लॉगर है, इसके पास एक माइक ही नहीं है, कम से कम माइक ही ले लो यार, इतनी आगे रिकॉर्डिंग करे, इतनी वो रेटों की आवाज़ें आ रही थी। ये जो हमने पैसे तुम्हें दिए, इससे अच्छा सा माइक लेना। नहीं कोई नहीं, अभी तक मैंने सिटी में व्लॉग नहीं था बनाया, तो सिटी में रश शोर बहुत ज़्यादा होता है, तो मुझे माइक की जरूरत नहीं थी पड़ी, लेकिन अब मुझे माइक लेना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले घर जाके मैं माइक का ऑर्डर करूँगा, बोया का माइक ऑनलाइन इंशाल्लाह। इससे पहले मैं भैया पिज़्ज़ा पर एक दफ़ा आया था, जब मैंने मैट्रिक की थी ना, तो तब हम आए थे और तब मुझे घर से मार भी पड़ी थी कि मैं बहुत लेट कर गया था, ईद का दिन था। तो तब उस वक्त हमने पिज़्ज़ा खाया था, उस वक्त तो इनका जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा हाई था। तो आज भी वैसे गुजरात में बेस्ट जो पिज़्ज़ा है वो इधर से मिलता है, तो लेकिन पिज़्ज़ा तो हम भी खा रहे हैं, हम खा रहे हैं बर्गर, चेक करते हैं ऑर्डर लगवा दिया जी। भैया के बैठे हुए थे, ऑर्डर की नहीं हुआ, सब ऑर्डर का वेट कर रहे थे, ऑर्डर की नहीं हुआ, अभी ऑर्डर करने लगे। आपने 3 मिनट का बर्गर रेडी है जी, ट्राई करते हैं क्या सीन है इसका। अच्छा बनेगा। प्राइस को देखें तो नॉर्मल से प्राइस है, कोई मसाला वगैरह नहीं लगा हुआ, तो बस गुजारा है। बर्गर ट्राई करते हैं। दिस इज द बर्गर, ट्राई करते हैं क्या सो।
बाकी जी ब्रांड ब्रांड ही होते हैं। तो भैया मेरा गुजरात में सबसे बड़ा ब्रांड है और ये अपनी क्वालिटी पर पूरा उतरता है। आप इसकी देख लेंगे कितना ये साइज में है और जो टेस्ट है वो भी बहुत आला है। आई रिकमेंड इट, अगर आप आए तो आप बढ़कर ऑर्डर कर सकते हैं। अब मोबाइल की बैटरी थोड़ी कम है तो इसलिए हम मोबाइल को करते हैं आप इसको करते हैं ऑन। मैंने तो बर्गर ख़त्म कर दिया है, पूरे पैसे वसूल बर्गर है, फ्राइज कितने खाने में चल हो जाता है और मेरे फ्राइज भी बच गए हैं। ये क्या मैं सबसे ज़्यादा खाता हूँ लेकिन फिर भी पेट भी फिल हो गया, फ्राइज भी बचे, फुल पैसे वसूल है, टेस्ट भी अच्छा है। अगर नहीं खाना तो दे दो ये बनाओ। हाँ जी ये बच गया, हालांकि बर्गर ये देखिए हालांकि बर्गर बचने वाली चीज़ नहीं होती इतनी बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में। अच्छा जी सब कुछ ओके था, सिर्फ एक चीज़ का मसला था, वो ये था कि सर्विस ज़रा लेट थी, इन्होंने टाइम काफ़ी ज़्यादा लगा दिया है, इतना टाइम लगा दिया है कि बाहर अंधेरा हो गया है और मैंने भी घर भी जाना है, तो इस गुस्से में हमने बोतल है जो उठा लाए हैं, ज़ाहिर हमारी चीज़ भी पैसे पे किए हुए हैं। ठीक है मोहसिन बहुत शुक्रिया, ओके अल्लाह हाफिज। इसमें जा जा टूट जा और टूट ओके जी ओके अल्लाह हाफिज ठीक है। बाकी सब जा रहे हैं लेकिन मैंने जाना है सर्विस इंडस्ट्रीज, क्योंकि वहाँ से मैंने जो फेयर प्राइस शॉप है वहाँ से शूज़ लेने हैं छोटे भाई के लिए, तो मैं वो लूँगा फिर निकलूँगा, जाते हुए अंधेरा हो जाएगा, मगरिब का वक्त होने वाला है तो अंधेरा वैसे हो गया क्योंकि आज बारिश का मौसम बना हुआ है। तो ये पीछे है जी सर्विस की फेयर प्राइस शॉप, अगर आप गुजरात आते हैं तो गुजरात में आपको सबसे सस्ते और अच्छे शूज़ अगर आपने लेने हैं तो सर्विस इंडस्ट्रीज़ के साथ फेयर प्राइस शॉप है, वहां से आपको मिलेंगे। तो मैं भी उधर से लेने लगूँ छोटे भाई के लिए शूज़। तो ये सामने कलेक्शन है जिसमें से मैंने शूज़ सेलेक्ट करने हैं, बेसिकली रनिंग शूज़ लेने हैं मैंने, तो क्योंकि वो आर्मी में है तो अभी देखते हैं जी इनमें के अंदर। मैंने ये शूज़ सेलेक्ट किए हैं, इसकी प्राइस है 1000 रुपया और ये जो स्टॉक आपको जितना भी नज़र आ रहा है ना इस सब की प्राइस है 1000 और ये लेदर शूज़ है, नॉर्मली शॉप्स पर ये आपको 2000-2500 के मिलते हैं। तो ये छोटे भाई के लिए रनिंग के लिए आपको ट्रेंड करते हैं। वैसे ये जो बैग है ये काफ़ी कंफर्टेबल है, इसका काफ़ी फ़ायदा है, तो क्योंकि घर जल्दी पहुँचना है, ब्लॉग मज़ीद एक्सटेंड किया तो लेट हो जाऊँगा, मार भी पड़ेगी घर से, तो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो give thumbs up, Allah Hafiz.